करुछी। आज आम सप्तम श्रेणीर संस्कृत बही पद्य विभाग पढ़वा। तो आमर 96 पृष्ठार अच्छी के च ते, तो से पद्यटी आज आम पढ़वा। देखा के चतरे कौन अच्छी देखा आम के चतर अच्छी पेला देखा आम प्रथम देला पाने बानर पश्यत बानर राजं दक्षम कुर्दति वृक्षा दन्य वृक्षम कुकुर दृष्ट्वा रात्रौ एकं चौरम भसति कुकुर बारं बारं मार्जारी मार्जारियं खादन्ति मीनं पिबति चदुग्धं तिष्ठति मौनं मधुपः मधुप अयं विहरति सानन्दं पायं पायं मधुमकरन्दं हस्ती हस्ती गच्छति मंदसु मंदं जनयति चासौ नयनानन्दं शशक शशक सततं कुरुते क्रीडां ततपरमनुभवति पीडां। तो पाने पद्यटी पढ़ले आम देखा पद्यटीर ओडिया अर्थ देखा तार संधि संधि विच्छेद अच्छी देखा पाने देखा प्रथम बानर बानर अर्थ पाने माकड़ पश्यत बानर राजं दक्षम कुर्दति वृक्षादन्य वृक्षम पाने पश्यत पश्यत अर्थ पाने देखा बानर राजं माकड़ा दक्षम देखा समर्थ कुर्दति डेउछी वृक्षा वृक्षम गच्छरु गच्छ देखा पश्यत देख जुयं दक्ष तुम्हें माने देख बानर राजं पश्यत तुम्हें माने से दक्ष बानर राज को देख कमाई ना कुर्दति वृक्षादन्य वृक्षम वृक्षादन्य वृक्षात युक्त अन्यं वृक्षादन्य देख गच्छरु गच्छरु किपर डेउछी से दक्ष बानरटी ताको आम देखा वृक्षादन्य संधि विच्छेद पाने वृक्षात युक्त अन्यं तापर पाने देखा कुकुर कुकुर अर्थ पाने जानते कुकुर दृष्ट्वा रात्रौ एकं चौरम भसति कुकुर बारं बारं दृष्ट्वा रात्रौ एकं चौरम रात्रौ एकं चौरं दृष्ट्वा रातिरे गोटिए चोर को देखि भसति कुकुर बारं बारं कुकुर बारं बारं भसति कुकुर बारं बार भुकुचि। तापर पिला देखिबा मार्जारी मार्जारी अर्थ पिला माने ला बिल्लै माई बिल्लै देखिबा कौन देची मार्जारियं खादति मीनम पिबति चदुग्धं तिष्ठति मौनम मार्जारी खादति मीनम इयं मार्जारी मार्जारियं मार्जारी युक्त इयं मार्जारियं संधि विच्छेद मार्जारी युक्त इयं मार्जारियं मार्जारियं इयं मार्जारी यही विराड़ीटी मीनं खादती माछ को खाऊची पिबती च दुग्धं च माने बिलाते ओ क्षीर पिउची तिष्ठति मौन एवं नीरव रहुची मौन अर्थ पिला माने ला नीरव। तापर पिला देखिबा मधुप मधुप अर्थ पिला माने ला महु माछी मधुप अयं विहरति सानंदम पायं पायं मधुमकरंदम मधुप युक्त अयं मधुप अयं ये संधि विच्छेद मधुप युक्त अयं मधुप अयं विहरती सानंदम विहरती अर्थ पे बोलुची सानंदम स युक्त आनंदम सानंदम आनंदर सहित यही मऊमाछीटी आनंदर सहित बुलुची कहीं पायं पायं मधुमकरंद फूलर रस पी पी आनंदर सहित बुलुची। तापर पाने आसला हस्ती हस्ती अर्थ पाने हाथी हस्ती गच्छति मंदसु मंदम जनयति चासौ नयनानन्दम हस्ती गच्छति मंदसु मंदम जनयति चासौ नयनानन्दम हस्ती गच्छति हस्ती हाथी जाउची मंदम सुमंदम माने धीरे धीरे हाथी जाउची जनयति चासौ नयनानन्दम जनयति माने जात करुची जन्म करुची सृष्टि करुची आखिरे आनंद से चो आखिरे आनंद सृष्टि करुची ओ चुक्त असौ
ଚାସ ହଉ ସେ ଆଖିରେ ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆସିଲା ଶଶକହ। ଶଶକ ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ହେଲା ଠେକୁଆ। ଶଶକହ ସତତଂ କୁରୁତେ କ୍ରୀଡ଼ାମ ତତଃ ପରମନୁଭବତି ପୀଡ଼ାମ। ଶଶକହ ସତତଂ କୁରୁତେ ପୀଡ଼ା କ୍ରୀଡ଼ାମ ତତଃ ପରମନୁଭବତି ପୀଡ଼ାମ। ଶଶକହ ସତତଂ, ଶଶକହ ସତତଂ ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ହେଲା ସବୁବେଳେ କ୍ରୀଡ଼ା କରନ୍ତି, ଖେଳୁଛି। ଠେକୁଆଟି ସବୁବେଳେ ଖେଳୁଛି ତତ, ତାପରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ପରମ ପୀଡ଼ାଂ ଅନୁଭବତି, ତାପରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ପରମ ଅନୁଭବତି, ପରମ ଯୁକ୍ତ ଅନୁଭବତି। ପିଲାମାନେ କେଚତ ବିଷୟଟି ସରିଲା, ତାର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖାତାରେ ଲେଖିବା ଆଉ ପଦ୍ୟତକ ମନେ ରଖିବା, ହେଲା। ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଣ କରି ଆସିବ, ତେଣୁ ମନେ ରଖିଲେ ଲେଖିପାରିବା। ତାପରେ ପେଜ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି, ପୃଷ୍ଠାରେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅଭ୍ୟାସ ପାଠଟି ଅଛି। ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରୟତୁ। ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରୟତୁ, ଏକ ନମ୍ବର କହିଦେଲା ଶଶକହ ସତତଂ ଡ୍ୟାସ୍ କୁରୁତେ। ଶଶକହ ସତତଂ କ୍ରୀଡ଼ାମ କୁରୁତେ। ଖ ପିଲାମାନେ ମନ୍ଦଂ ମନ୍ଦଂ ହସ୍ତି ଡ୍ୟାସ୍, ମନ୍ଦଂ ମନ୍ଦଂ ହସ୍ତି ଗଚ୍ଛତି। ଗ ମଧୁପହ ଡ୍ୟାସ୍ ବିହରତି, ମଧୁପହ ଅୟଂ ବିହରତି। ଡ୍ୟାସ୍ ମାଜାରି ମିନଂ ଖାଦତି, ଇୟଂ ଇୟଂ ମାଜାରି ମିନଂ ଖାଦତି। ଉଁ ଅସୌ ନୟନାନନ୍ଦଂ ଡ୍ୟାସ୍ ଜନୟତି। ପିଲାମାନେ ଏକ ନମ୍ବର ଜାଣିଲେ, ଆମେ ଏବେ ଦୁଇ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଦୁଇ ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି ମାତୃଭାଷାୟା ଅର୍ଥଂ ଲିଖନ୍ତୁ, ମାତୃଭାଷାରେ ଅର୍ଥ ଲେଖିବା। ମଧୁପହ, ମଧୁପ ପିଲାମାନେ ହେଲା ମହୁମାଛି। ଶଶକହ ଠେକୁଆ, ପିବତି ପିଉଛି, ବସତି ଭୁକୁଛି, କୁର୍ଦ୍ଦତି ଡେଉଁଛି। ତାପରେ ପିଲେ ସଂସ୍କୃତି ନା ଲେଖନ୍ତୁ, ଅନୁଭବ କରେ ଅନୁଭବତି, ବିହାର କରେ ବିହରତି, ଦେଖି ଦୃଷ୍ଟୁଆ, ଜନ୍ମାଏ ଜନୟତି, ପୀଡ଼ା ପୀଡ଼ା ମାନେ ଅର୍ଥ ପୀଡ଼ାକୁ ସଂସ୍କୃତିରେ କ'ଣ କହନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ପୀଡ଼ା। ଜାଣିଲେ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଯିବା ଆମେ ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ କରୁ। ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ କରିଦେଲା ଅୟଂ ସାନନ୍ଦଂ ମୌନଂ ବାରମ୍ ବାରମ୍ ବାନର ରାଜଂ। ଖରେ ଦେଇଛି ବିହରତି ଭସତି ପଶ୍ୟତଃ ମଧୁପହ ତିଷ୍ଠତି। ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଅୟଂ ମଧୁପହ, ସାନନ୍ଦଂ ବିହରତି ବିହରତି, ମୌନଂ ତିଷ୍ଠତି, ବାରମ୍ ବାରମ୍ ପଶ୍ୟତଃ ବାନର ରାଜଂ, ବାରମ୍ ବାରମ୍ ଭସତି ବାନର ରାଜଂ ପଶ୍ୟତଃ। ଆଉଥରେ କହୁଛି ଅୟଂ ମଧୁପହ ସାନନ୍ଦଂ ବିହରତି ମୌନଂ ତିଷ୍ଠତି ବାରମ୍ ବାରମ୍ ଭସତି ବାନର ରାଜଂ ପଶ୍ୟତଃ। ପିଲାମାନେ ତାର ଅଭ୍ୟାସ ସରିଲା, ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଶୁଭାସିତାନି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଶୁଭାସିତାନି ଅନୁସାରେ କିଛି ହେଲେ କିଛିଟି ନୀତି ଶ୍ଳୋକ ଅଛି, ଏ ଶ୍ଳୋକ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ତାର ନୀତି ବିଷୟରେ କିଛି ଆମେ ଜାଣିବା ଶିଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ଦେଖିବା ମୁଁ କେମିତି ପଢ଼ୁଛି, ତାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରୁଛି, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା। ମାତା ଶତ୍ରୁ ପିତା ବୈରୀ ଜେନ ବାଳେ ନ ପାଠିତ ନ ଶୋଭତେ ଶୋଭା ମଧ୍ୟ ହଂସ ମଧ୍ୟ ବକ ଯଥା। କେମିତି ପଢ଼ିଲି, ସେମିତି ପଢ଼ିବା। ଆଉଥରେ ପଢ଼ୁଛି ମାତା ଶତ୍ରୁ ପିତା ବୈରୀ ଜେନ ବାଳେ ନ ପାଠିତ ନ ଶୋଭତେ ଶୋଭା ମଧ୍ୟ ହଂସ ମଧ୍ୟ ବକ ଯଥା। ତାର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ହେଲା, ଓ ଅର୍ଥ ସଂସ୍କୃତ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛି, ଆଗେ ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ୁଛି। ଯା ମାତା ବାଳଂ ନ ପାଠୟତି ସା ମାତା ଶତ୍ରୁ ଭବତି, ଯହ ପିତା ନ ପାଠୟତି ସ ପିତା ବୈରୀ ଭବତି, ହସ ମଧ୍ୟେ ବକ ଯଥା ନ ଶୋଭତେ ତଥା ଅୟଂ ମୂର୍ଖ ବାଳ ସଭା ମଧ୍ୟେ ନ ଶୋଭତେ। ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ଅର୍ଥ ହେଲା ଯା ମାତା ବାଳଂ ନ ପାଠୟତି, ବାଳଙ୍କ ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ହେଲା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ। ଯାହା ମାତା, ଯାହାର ମା ବାଳଂ ପିଲାକୁ ନ ପାଠୟତି ପଢ଼ାଏ ନାହିଁ,
सा माता शत्रुभवती तार माँ शत्रु अटे जह पिता जार पिता न पाठयती पढ़ाए नाई स पिता से बापा बैरी भवती बैरी अटे माता शत्रु अटे पिता बैरी मध्य अटे जेपरिक हंस मध्य हंसर रंग धला बगर रंग पे मैंने धला हंस मध्य बग जथा जेपरि हंस मध्य बग न शोभंती शोभा पाए नाई से भली भाव तथा से हीपरी अयं मूर्ख यही मूर्ख पिलाटी मूर्ख बाला मूर्ख पिला सभा मध्य मध्य शोभा पाए नाही। दुई नंबर श्लोक झील पिला माने पठ तो नास्ति मूर्खत्वं जप तो नास्ति पातकं मौनीनः कलह नास्ति न भयं चास्ति जाग्रतः। आउथरे पिला माने पढ़ुची पठ तो नास्ति मूर्खत्वं जप तो नास्ति पातकं मौनीनः कलह नास्ति न भयं चास्ति जाग्रतः। पिला माने या अर्थ होला संस्कृत अर्थ दी पठतः जनस्य मूर्खत्वं नास्ति जपतः लोकस्य पातकं नास्ति मौनी जनस्य कलह नास्ति जाग्रत जनस्य भयं नास्ति। देखिए पठत जनस्य पढ़ुवा लोकर मूर्खत्वं नास्ति जो लोक पढ़े तार मूर्खत्वटा नास्ति हो जाए ना रही मूर्खत्व रहे ना शिक्षित हो जाए। जपतः लोकस्य पातकं नास्ति जो लोक जप व तपस्या करे तार पातकं नास्ति तार पातक क्षय हुए बा पापटी क्षय हो जाए पाप रहे ना। मौनी जनस्य कलह नास्ति जो लोक मौन रुहती सेठ कलह सृष्टि हुए ना। जाग्रत जनस्य भयं नास्ति जो लोक सदा सर्वदा जाग्रत हुए तार मध्य भय न थाए। तो पे मैंने संधि अच्छी न युक्त अस्ति नास्ति च युक्त अस्ति चास्ति पठतः युक्त नास्ति पठतो नास्ति। तीन नंबर श्लोक को जीवा दुई नंबर सरला तीन नंबर श्लोक को जीवा विद्या ददाति विनयम् विनयात् जाति पात्रतम् पात्रत्वात् धनमाप्नोति तना धर्म तथा सुखम। विद्या ददाति विनयम् विनयात् जाति पात्रतम् पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनार्धर्म तथा सुखम। अर्थ पिला देला विद्या विनयं ददाति विनयात् पात्रतं जाति पात्रतं जाति पात्रत्वात् धनम आप्नोति धनात् धर्म ततः सुखम आप्नोति। अर्थ पिला माने ला विद्या विनयं ददाति विद्या विनय प्रदान करे बा योग्यता प्रदान करे ज्ञान प्रदान करे विनयात् ज्ञानरु पात्रतं जाति योग्यता सृष्टि होइथाए पात्रत्वात् धनम आप्नोति योग्यतारु धन सृष्टि होइथाए धन आसीथाए धनात् धनरु धर्म तथा सुखम आपनति धनरु धर्म आ सुख मध्य आसी थाए। तो पिले माने एथर मध्य संधि अच्छी देखिबा विनयात् विनय युक्त यात् आत् विनयात् तापर पिले माने चारि नंबर श्लोक को जीवा वृक्षो ददाति पुष्पाणि शाकं सस्यं फलानि तु प्राणवायु च छायां वै कुरु वृक्षारोपणम्। वृक्ष ददाति पुष्पाणि शाकं सस्यं फलानि तु प्राणवायु च छायां वै कुरु वृक्षारोपणम्। अर्थ दला संस्कृत रे वृक्ष पुष्पाणि शाकं सस्यं फलानि प्राणवायु अम्लजानं छायां च ददाति अतः वृक्षस्य रोपणं कुरु। पिले माने यात वृक्ष पुष्पाणि गच्छ फूल देउची शाकं शाक देउची सस्य देउची फलानि फल गुड़े देउची मते खाइबा पई प्राणवायु आमर प्राणवायु देउची जोटा अम्लजान गैस देउची छाया च देओ छाई मध्य आमको से प्रदान करुची अत एणु
वृक्षस्य रोपणं कुरु, तेणु गछर रोपण करिबा। काहिंकि गछ आमकु सबु दौचि, खाइबाकु दौचि, पिंधिबाकु दौचि, शाग दौचि, फुल दौचि, फल दौचि, आ बञ्चिबाकु प्राणवायु अम्लजान मध्ये दौचि। तेणु पिला माने गछ रोपण करिबा। पिला माने पांच नंबर श्लोक देखिबा। पांच नंबर श्लोक रे कोन दिछि, अयं निज परवेति गणना लघुचेतसं उदार चरितानं तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अयं निज परवेति गणना लघुचेतसं उदार चरितानं तु वसुधैव कुटुम्बकम्। या अर्थ पिलामन देला, अयं निज पर बाईति लघुचेतसा गणनां भवति, किंतु उदार चरितानां वसुधैव कुटुम्बकम् इति गणनां भवति। अर्थ पिलामने, अयं निज पर बाईति लघुचेतसा गणना करन्ति। लघुचेतसा बा छोट मन थिबा लोक माने सदाबेले गणना करन्ति जे एटा निज पर छोट बड़ बोली हिसाब करन्ति। माने लघु बा छोट लोक माने असाधु लोक माने सदाबेले निज पर बोली देखन्ति, निज पर छोट बड़ मोर आपणार बोली देखन्ति। किंतु उदार चरितानां वसुधा एव कुटुम्बकम् गणना करते, किंतु जहार उदार चरित उदार हृदय से सारा वसुधा सारा पृथ्वी पृष्ठ को ही निजर कुटुंब बोली गणना करिथाए। तापर पिले छ नंबर श्लोक जीवा, हस्तस्य भूषणं दानं सत्यं कंठस्य भूषणं श्रोत्रस्य भूषणं शास्त्रं भूषणै किं प्रयोजनम्। हस्तस्य भूषणं दानं सत्यं कंठस्य भूषणं श्रोत्रस्य भूषणं शास्त्रं भूषणै किं प्रयोजनम्। पिले माने यार ओडिया यार भी संस्कृत अर्थ देछि। निक संस्कृत अर्थ कौन देला, अर्थ देला दानं हस्तस्य भूषणं हस्तकंठस्य भूषणं शास्त्रं सूत्रस्य भूषणं अत भूषणै किं वा प्रयोजनम्। पिले दान हस्तस्य भूषणं हातर भूषण, भूषण माने अर्थ पिले माने ला अलंकार, हाथर अलंकार है पिला माने कौन ना दान करिबा। सत्यं कंठस्य भूषणम आम बेक कंठर अर्थ है बेक, बेकर भूषण है पिले सत्य कहवा। शास्त्रं श्रोत्रस्य भूषणम कान, कानर भूषण पिला माने शास्त्रं शुणवा, शास्त्रर कानर भूषण अलंकार है शास्त्र। अत एणु भूषण किंबा प्रयोजन, तेणु अन्यर अलंकार कौन प्रयोजन अच्छी। यदि आम पाखे हाथर अलंकार दान अच्छी, कंठर अलंकार सत्य अच्छी, कानर अलंकार शास्त्र अच्छी, तेज कौन सी प्रकार अलंकार आमर आवश्यकता ना, सुना रूपा कौन सी अलंकार आवश्यकता ही ना। तो पे दुईट पद्य पढ़ले यार अभ्यास देखा देखिए पे मैंने प्रथम कौन देखिए, शून्य स्थान पूरयतु पढ़देला, जेन ड्यास न पाठित बाला देखिए हम बा जपत ड्यास पातकम पिले नास्ति देची आ अस्ति देची हमर जपत जपत नास्ति पातकम। तापर पिला देची विनयात ड्यास पात्रताम गोटे देची जाति आ गोटे है जाति जी विनयात जाति पात्रताम। तापर घ देला पिला माने कुरु ड्यास रोपणम वृक्षस्य वृक्षम हमर कौन हम वृक्षस्य कुरु वृक्षस्य रोपणम। पिले माने हस्तस्य भूषणं ड्यास पिले हस्तस्य भूषणं बाकेट देला सत्यम आ दानम तो हस्तस्य भूषणं पिले माने अर्थ है दानम बा दान करिबा। तो पिले माने दुई नंबर क्वेश्चन हमर आसला, दुई नंबर क्वेश्चन मातृभाषया अर्थं लिखतु माने मातृभाषार अर्थ लिखिबा माने ओडियार अर्थ लिखिबा। भूषणै किं प्रयोजनम अलंकार कौन दरकार, मौनिनः कलह नास्ति मौन रहिबा द्वारा कलह नाश होइथाए। वसुधैव कुटुम्बकम वसुधा ही पृथ्वी पृष्ठ ही कुटुम्ब सदृश अटन्ति। वृक्षः ददाति पुष्पाणि गच्छ फूल गुड़िए देउछि। जेन बाळे बाळः न पाठित जी पिला मानंकु न पढ़ाउछि। पिला माने
देखिबा हमर 3 नंबर संस्कृतेन लिखतु पाप नथाए पात्रताम पात्रताम पाप नथाए पिले माने पात्र पाप नथाए बंडला पात्रताम बा पातकम नास्ति पातकम ना पाप नथाए नास्ति पापकम पातकम शोभा पाए नाही न शोभते छाया प्राण वायु छाया प्राण वायु पिला माने ला अम्लजान जोटा कहते आम प्राण वायु ददाति कंठर भूषण सत्य कंठस्य भूषण सत्यं बा सत्य कंठस्य भूषण विनयरु योग्यता सृष्टि हुए विनयात जाति पात्रताम आउथे कहीदी पाप न थाए नास्ति पातकम शोभा पाए नाही शोभा पाए नाही न शोभते न शोभते गच्छ प्राणवायु दिए गच्छ प्राणवायु वृक्ष प्राणवायु ददाति कंठर भूषण सत्य कंठस्य भूषणम सत्य पे मैंने अब सत्य कंठस्य भूषणम विनयर योग्यता जात हो विनयात जाति पात्रताम जानले पे स्तंभ मिलन पढ़ा हमारे कस्म ततः विद्या हस्तस्य परो धनम फरदेला ददाति भूषणम सुखम आपनति बेति देखिए मुझे कहाँ कौन कौन ततः सुखम विद्या ददाति हस्तस्य भूषणम परो बेति धनम आपनति तो पाने दुईटी श्लोक पढ़िले दुईटी पद्यविभाग दुईटी श्लोक पढ़िले ये दुईटी श्लोक आम मन रखा तार अभ्यास करवा आउ जो मैंने ध्यान सहकारे शुणीज धन्यवाद।